कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को एक प्राइवेट नागरिक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कह दिया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोलते हुए उनसे सवाल किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक प्राइवेट नागरिक को पीएम के सुरक्षा प्रोटोकॉल और उल्लंघन के बारे में बताया ही क्यों। स्मृति ईरानी का कहना है, मैं कांग्रेस आलाकमान को अपने प्रश्न दोहराती हूं। पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की सक्रिय मिलीभीत से सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन क्यों किया गया? कांग्रेस में किसने उल्लंघन का लाभ उठाने की कोशिश की? पंजाब के पुलिसकर्मियों द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को नजरअंदाज किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस सुरक्षा चूक से कांग्रेस में किसने लाभ उठाने की कोशिश की। आपको बता दें, इस पूरे मामले में स्मृति ईरानी भाजपा मुख्यालय से मीडिया को संबोधित करती हैं और कहती हैं, सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि पंजाब पुलिस के अधिकारी लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार और प्रशासन को प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनके काफिले को खतरे के बारे में जानकारी देते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से इस बात पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को एक आम नागरिक बता दिया है। बीजेपी नेता सवाल खड़े करते हुए कहते हैं, क्यों एक प्राइवेट सिटीजन को, जो गांधी परिवार का हिस्सा है, इंटरेस्टेड पार्टी को ब्रीफ किया गया? यहां पर कहना है स्मृति ईरानी का कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा को किसी भी तरह की कोई जानकारी या इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने क्यों दिया। खैर, अब इस मामले पर कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, देखना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।